हेलो गाइस, मेरा नाम अनुप है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अनुप गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसकी मदद से आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ उसका नाम है क्वेश्चन हब। अब आप क्वेश्चन हब की मदद से अपने ब्लॉग का ट्रैफिक किस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं उसको जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी होगी। तो अब हम आपको क्वेश्चन हब किस प्रकार यूज करते हैं वह बताते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल के ऊपर टाइप करना होगा क्वेश्चन हब। ठीक है, जैसे आप गूगल के ऊपर क्वेश्चन हब टाइप करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन हब की मेन वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और साइन अप के अंदर आपको उस ईमेल आईडी से लॉगिन करना है या उस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना है जिससे कि आपका गूगल सर्च कंसोल अकाउंट बना हो। याद रहे, आपको उस ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाना है जिससे कि आपका गूगल सर्च कंसोल अकाउंट बना होगा। ठीक है, इसको करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप किस प्रकार क्वेश्चन हब का यूज कर सकते हैं अपनी जो वेबसाइट है, अपना जो ब्लॉग पोस्ट है उसके आर्टिकल को सबमिट करने के लिए, वह मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अन्य पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपको अपना कीवर्ड या अपना जो ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है वह टाइप करना है ताकि उसी से रिलेटेड ही आपके पास क्या है, क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल, आपने एक योगा के ऊपर टॉपिक लिखा है तो यहाँ पर साफ लिख रहा है कि एंटर सिस्टम और ए टॉपिक। सपोज करो आपने योगा के ऊपर एक टॉपिक लिखा है तो आप यहाँ पर क्या टाइप कर देंगे, योगा। ठीक है, योगा टाइप करने के बाद आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी योगा से रिलेटेड टॉपिक चाहिए या जो भी आपको सर्च टर्म चाहिए उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योगा से रिलेटेड 10 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज की तरफ चले जाएंगे जहां पर योगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह सभी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है गाइस, देखिए यहां पे लिखा है योगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, कितने दिन पहले किस लोगों ने क्या पूछा है, सभी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मे आई डू डिफरेंट योगा पोजेस विदाउट एनी इंटरवल, योगा गुरु मंदाकाचार्य कौन है और कहाँ के हैं, कहाँ का है जानवर है। ठीक है, योगा टीचर वैकेंसी इन उता। ठीक है, 8 month प्रेगनेंसी योगा इन हिंदी, हाउ मेनी स्ट्रेन यूज इन योगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और जो इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका आर्टिकल जिस क्वेश्चन से मैच करता है आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन के अंदर अपने आर्टिकल को सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी स्ट्रेन्स यूज इन योगा, मेरा जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आंसर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं आंसर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ लिखा रहा है सबमिट एंड आंसर लिंक। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी पोस्ट का लिंक डाल देना। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा पोस्ट का लिंक ये है। ठीक है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर दे चुके हैं कि आप जो भी कोई बंदा इस क्वेरी को गूगल के ऊपर टाइप करेगा तो उस बंदे को आपका जो आर्टिकल है सबसे पहले नंबर पर शो होगा। इससे क्या होगा, अगर उस बंदे को आपका आर्टिकल पसंद आया होगा तो वह उसके ऊपर क्लिक कर देगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हब की मदद से अपने ब्लॉग का ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ओनली उन्हीं क्वेश्चन का आंसर करना है जो आपके टॉपिक से मैच करते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ओवरथिंकिंग, आप इसी टॉपिक के ऊपर अपना पोस्ट लिख सकते हैं। इसके ऊपर अपना पोस्ट लिखकर इसी जो हमारे यहाँ पर क्वेरी है इसी के ऊपर आंसर कर दें तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये तो हो गया हमारा किस प्रकार हम इसमें ऐड क्वेश्चन करेंगे और किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब बात आती है आप किस प्रकार इसके सेटिंग्स कर सकते हैं और किस प्रकार अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह क्वेश्चन हब आपको पूरी आपकी परफॉर्मेंस बता देगा कि आपने अब तक कुल कितने आर्टिकल इसके ऊपर सबमिट किए हैं और कुल कितने आंसर आपने दिए हैं, प्लस में आपके सभी आंसर्स को कितने इंप्रेशंस मिले हैं और इन इंप्रेशंस में आपको टोटल क्लिक्स कितने मिले हैं, सभी आपको ये बता देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए मैंने 170 आर्टिकल इसके अंदर सबमिट किए हैं और कुल 2100 आंसर मैंने यहाँ पर दिए हैं, जिससे मुझे 31,000 का इंप्रेशन मिला है और 954 का यहाँ पर मुझे क्या मिला है, सर्च क्लिक मिला है। और डे बाय डे की परफॉर्मेंस भी यहाँ दिखा रहा है, मुझे डे बाय डे कितने क्लिक्स और कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं वो भी यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। और नीचे जितने मैंने आर्टिकल सबमिट किए हैं उनके ऊपर मुझे कुल कितने इंप्रेशंस मिले हैं, कुल कितने क्लिक्स मिले, क्या CTR है, सभी यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने पर्टिकुलर पोस्ट की
पर्टिकुलर पोस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आता है सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन का मतलब क्या है कि सपोज करो आपकी ईमेल आईडी के अंदर आपने अपनी 4 से 5 वेबसाइट्स को ऐड किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, किस वेबसाइट का डाटा को इसके अंदर शो करना चाहते हैं उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 4-5 वेबसाइट को ऐड किया है, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको उनके ऊपर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इन सभी का जो डाटा होगा मुझे वहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन आता है डिस्प्ले लैंग्वेज की, जो मेरा क्वेश्चन हब है किस लैंग्वेज में मुझे दिखाई दे, तो यहाँ पर मैंने क्या चूज किया, इंग्लिश। तो मुझे किसमें दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हिंदी चूज करता तो सारा किसमें शो होता, मुझे हिंदी में शो होता। ठीक है, तो और अब यहाँ पर अगला जो ऑप्शन क्या आ रहा है, क्वेश्चन लैंग्वेजेस। तो क्वेश्चन लैंग्वेज यहाँ मैंने क्या सिलेक्ट करी, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक्स के हिंदी के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, तो मैं दोनों टाइप के यहाँ पर आंसर देना चाहता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज क्या सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, इंग्लिश हिंदी। अब जिस भी लैंग्वेज में अपना ब्लॉग बनाते हैं उसी टाइप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट योर एक्टिविटी, यहाँ से मैं अगर इसमें डिलीट कर देता हूँ तो मेरा जितना भी डाटा है सभी यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हब की मदद से अपना जो ब्लॉग है उसके ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ब्लॉग के ट्रैफिक के ऊपर इंप्रेशन भी ला सकते हैं और इसके ऊपर क्लिक्स भी बढ़वा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करें, वैसे को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।